नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है TLR। लगातार हम आपको पल पल की जानकारी, पल पल की खबर जो है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और आज मैं फिर से आपको कहूंगा, आपने कैप्शन भी पढ़ लिया होगा कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो एक ड्राइवर को अरेस्ट कर दिया है, इसके अलावा 22 गाड़ियां जो है वो सीज कर दी गई हैं, 119 चालान हो चुके हैं और ये तमाम डोडा पुलिस के द्वारा जो है आज के दिन में ये कार्य किया गया है। तमाम लोग जो हैं डोडा पुलिस को मुबारकबाद दें, डोडा पुलिस जिंदाबाद लिखना जो है वो बिल्कुल भी ना भूलें। आप तमाम लोगों को बता दें कि लगातार जो ड्राइव चल रही है उसके चलते जितने भी लोग जो ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं, ट्रैफिक का उल्लंघन करने के साथ साथ जो अभी भी अपनी कामों से, अपनी कलाकारियों से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ अब पुलिस बिल्कुल एक्शन में लगी हुई है। और जहां जहां जो जो ड्राइवर मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई चलते जा रही है। आप तमाम लोगों के को बता दें कि आज के दिन में पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर 22 गाड़ियां जो है वो सीज कर दी गई है। उसके अंदर इकोज भी हैं, उसके अंदर टेम्पोज भी हैं, उसके अंदर बड़ी बसेज भी हैं, मिनी बसेज भी हैं। ये कुल मिलाकर 22 गाड़ियां आज के दिन में सीज की गई हैं। इसके अलावा 119 गाड़ियों के चालान हुए हैं और एक ड्राइवर के ऊपर रजिस्टर्ड भी जो है, एक ड्राइवर के ऊपर FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है। और ड्राइवर के ऊपर जो FIR रजिस्टर कर दी गई है, FIR का नंबर 150/2023 है और इस ड्राइवर का नाम आकिब नाइक है। रहने वाला ये शिरखी बदरवा का है और टाटा सुमो को जो है ये चला रहा था, टाटा सुमो गाड़ी को। और इसने जितनी इसको सवारियां पास है उससे ज़्यादा सवारियां बिठाकर जो है ये चल रहा था, जिसके चलते जैसे ही पुलिस ने इसे पकड़ा और इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी और इसे हिरासत में ले लिया गया है। और तमाम वो ड्राइवर सावधान रहिए जो अब भी अपने कामों से, अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डोडा पुलिस बिल्कुल हरकत में है और डोडा पुलिस जिंदाबाद लिखना जो है आप तमाम लोग बिल्कुल ना भूलें। और आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि आखिर आपको जो डोडा पुलिस आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर काम कर रही है वो कैसा लग रहा है। जो भी ट्रैफिक की वायोलेशन कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो आपको ये तमाम चीज़ें कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। और पिछले एक हफ्ते से लगातार ये ड्राइव चल रही है, पूरी पुलिस जो है वो हरकत में नज़र आ रही है। और डोडा पुलिस को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अब आप अपना काम जो है यूँ ही बरकरार रखिए, यूँ ही काम जो है वो चलता रहे ताकि कोई बड़ा हादसा हमें आगे देखने को ना मिले। और ये जो मनमानी करने वाले लोग हैं इन्हें जो है इनकी अकल ठिकाने आए। एक बार फिर से मैं अगर आपको जानकारी दे दूं कि जिस ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया गया है वो टाटा सुमो जो है वो चलाया करता था और टाटा सुमो में जितनी सवारियां उसे पास थी उससे ज़्यादा उसने बिठा के रखी हुई थी और उसका नाम आकिब नाइक था। रहने वाला ये शेर की बदरवा का था। इसके खिलाफ FIR नंबर 150/2023 रजिस्टर्ड कर दी गई है और बदरवा पुलिस द्वारा ये काम किया गया है। और आप तमाम लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दीजिएगा। और क्या इस प्रकार का काम यूं ही बरकरार रहना चाहिए, या आप तमाम लोगों को कोई अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फ़ोन कॉल करके भी बताते हैं कि जनाब हम रास्तों में खज्जल हो रहे हैं, रास्ते की सवारियों को कोई चढ़ा नहीं रहा है। तो उसके लिए ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो निकाल के लाएगी। लेकिन अगर आप तमाम लोग चाहते हैं कि काम अच्छा हो, अगर आप तमाम लोग चाहते हैं कि हादसे ना हो, अगर आप तमाम लोग चाहते हैं कि इस तरह की दिल दहलाने वाली खबरें जो है हम तक ना पहुंचे, आगे कोई भी रोड हादसा ना हो जिसमें लगभग 39 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, तो ये इतना सा आप तमाम लोगों को सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सहेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। आपको भी जो है वो सहना पड़ेगा, आपको भी बराबर ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको वायलेट नहीं करना पड़ेगा, जो ट्रैफिक विभाग काम कर रहा है उसे मानना पड़ेगा, तब जाके जो है आप और हम सेफ रह सकते हैं। अगर आप वही हड़कंप मचाते रहेंगे इस समय ट्रैफिक पुलिस का, डोडा पुलिस का अगर आप साथ नहीं देंगे तो भविष्य में हमें इस प्रकार के हादसे और भी नज़र आते रहेंगे। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी उन लोगों का मन देख लीजिए जो गाड़ी में ओवरलोडिंग करा रहे हैं, ठीक है। गाड़ी में अगर आपको 12 लोग पास हैं तो आप 15 चढ़ा रहे हैं और वो लोग भी जो 15 बैठ भी रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि अगर ड्राइवर के पास जगह नहीं है तो आप ना ज़िद करिए और ना उसमें बैठिए। अगर आपके गांव के लिए सिर्फ वही एक ही गाड़ी जाती है, आप डिमांड कीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएँ, ज़रूर कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन यूँ अपने जानों को खतरे में ना डालिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए राजकुमार को इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग अपने
अपने घरों में सेफ रहेंगे और इस तरह की खबरें जो है हमारे चुनाव वली से आगे देखने को नहीं मिलेगी। और देखना यह भी है कि कितनी जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा क्या कुछ नए स्टेप उठाती है जिसके साथ हम अपने आने वाले भविष्य में ये कल्पना कर पाएं कि हमारी इस चुनाव वली की रोड़ों पर कोई हादसा ना हो।